दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन रविंद्र जडेजा ने रचा इतिहास। इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ कपिल देव को भी छोड़ा पीछे। क्या है खबर की जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों इस समय भारतीय टीम 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेल रही है। 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 17 फरवरी से दिल्ली में खेला जा रहा था। इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दोस्तों आपको बता दें इस मुकाबले के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम पहले ही दिन 263 रन के निजी स्कोर पर ऑल आउट हो गई। ऐसे में भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो वह भी मात्र 262 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। ऐसे में भारतीय टीम के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। लेकिन दोस्तों तीसरे दिन जब ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाज बैटिंग करने उतरे तो रविंद्र जडेजा का तूफान देखने को मिला। रविंद्र जडेजा ने मात्र 12.1 ओवर में 42 रन देकर 7 विकेट अपने नाम कर लिए और ऑस्ट्रेलिया को मात्र 13 रन के निजी स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें इन विकेटों के साथ ही रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 250 विकेट और 2500 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही रविंद्र जडेजा ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों बता दें इमरान खान ने 64 मैचों में यह कारनामा किया था जबकि रविंद्र जडेजा ने 62 टेस्ट मैचों में ही इस मुकाम को हासिल कर लिया। दोस्तों मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।